भी कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे, नया हो तो सब्सक्राइब कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, शेयर कर देना, ठीक है। तो मैं आज क्लास स्टार्ट करती हूँ। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ, नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज अ सपोर्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ये क्यों बोला जाता है। जैसे कि लास्ट क्लास में मैं डिस्कस की थी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन को क्या बोला जाता है, फ्लेक्सिबल सिस्टम बोला जाता है, वो डिस्कस की थी। और एक स्टेटमेंट तुम लोगों का आता है कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज अ सपोर्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो इसको सपोर्टिव सिस्टम क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को मेनली सपोर्ट करते हैं। किन स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं, जिनका एजुकेशन बीच में छूट गया था, कोई भी प्रॉब्लम के वजह से तुम पढ़ना नहीं पा रहे, मतलब फॉर्मल एजुकेशन लेना ले नहीं पा रहे हो, वर्किंग एडल्ट्स जो लोग हैं, घर भी चलाना पड़ता है या कुछ काम भी करना पड़ता है, पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है, फिर अपना पढ़ाई भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, जो लोग हाउस वाइफ से घर में रह के घर का काम भी देखना है, फिर पढ़ाई भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए फॉर्मल एजुकेशन में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, स्कोप नहीं मिलता है कि वो लोग जा पाए। लेकिन वो लोग नॉन फॉर्मल एजुकेशन में अपना एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है, सबसे हेल्पफुल मेथड है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसलिए इन एजुकेशन सिस्टम जो है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन सपोर्ट करते हैं इन जिनका एजुकेशन छूट गया था, जो पढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन अपना कंटिन्यू करना चाहते हैं, उन लोगों को एक बहुत ही सपोर्टिव सिस्टम बोला जाता है। वो फॉर्मल एजुकेशन का एक ऑल्टरनेट सिस्टम है। जो लोग फॉर्मल एजुकेशन कोई भी रीजन के वजह से नहीं ले पा रहे, उन लोगों के लिए ऑल्टरनेट एक सिस्टम है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये क्या करता है, हम लोग को सपोर्ट करता है या हम लोग को हेल्प करता है कि हम लोग कोई भी एज हो, हम लोग का कहीं पे भी हम लोग रहते हैं, हम लोग का कास्ट कुछ भी हो, हम लोग का सोशल स्टेटस कुछ भी हो, हम लोग का इकोनॉमिक स्टेटस कुछ भी हो अपना, हम लोग कहीं पे भी रह के नॉन फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू हम लोग अपना पढ़ाई कर सकते हैं। ये हम लोग को हर फील्ड में सपोर्ट करते हैं, अगर हम लोग मतलब डिजायरस है या अगर हम लोग चाहते हैं कि अपना एजुकेशन हम लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो इसलिए इस सिस्टम को हम लोग सपोर्टिव सिस्टम बोल सकते हैं, जो फॉर्मल का ऑल्टरनेट है। अगर तुम फॉर्मल नहीं कर पा रहे हो कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से, तो एक ऑप्शन है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इसलिए इसको सपोर्टिव सिस्टम बोला जाता है। ये बहुत ही छोटा छोटा एक कंसेप्ट है, कभी कभी 2 मार्क्स के लिए आता है, या तुम लोग ये सब पॉइंट्स नॉन फॉर्मल का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आता है, तो जैसे कि पहले मैं डिस्कस की थी फ्लेक्सिबल सिस्टम, वो लिख सकते हो, सपोर्टिव सिस्टम लिख सकते हो, कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम लिख सकते हो जहाँ पे कम खर्चे में होता है, सप्लीमेंट्री सिस्टम भी आता है, ऑल्टरनेट सिस्टम भी आता है, मतलब कुछ भी ऐसे तुमको एक स्टेटमेंट उठा के दे सकते हैं और एक्सप्लेन करने का बोल सकते हैं। तो मेन कंसेप्ट बस वही है, तुम लोग याद रखना नॉन फॉर्मल का, कि यहाँ पे स्टेट रूल्स रेगुलेशन नहीं है, फॉर्मल का जो प्रेशर है वो रिड्यूस करता है, फॉर्मल में जो लोग नहीं ले सकते वो लोग नॉन फॉर्मल, मतलब मेन कंसेप्ट वही है, तुम लोग को बस थोड़ा क्रिटिकली थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है, तो बस तुम लोग वो समझ जाओगे तो कुछ भी आंसर करना तुम लोग के लिए वो नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं लगेगा। तो बस कंसेप्ट तुम लोग याद रखना और एक नोट्स प्रिपेयर कर लेना, जहाँ पे तुम लोग ये सारा जो टॉपिक मतलब वर्ड्स होगा उसमें अंडरलाइन कर देना कि ये एक सपोर्टिव सिस्टम है, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ये क्या है फ्लेक्सिबल सिस्टम है, ये सब के नीचे तुम लोग अंडरलाइन जब करोगे तो एग्जाम के पहले जब पढ़ोगे ना, तो वही सारा स्टेटमेंट अगर आ जाएगा तो तुम लोग इजीली लिख पाओगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ ट्रिक्स। और एक है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल माना जाता है यहाँ पे। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल मतलब यहाँ पे सबको इक्वली एजुकेशन दिया जाता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई एज का डिस्क्रिमिनेशन नहीं, यंग हो ओल्ड हो सबको इक्वली एजुकेशन दिया जाता है, रिच हो पुअर हो सबको इक्वल एजुकेशन मिलता है, कोई भी कास्ट हो, कोई भी हम लोग मतलब सोसाइटी का किसी भी उसमें कोने में रहते हैं, अगर हम लोग चाहते हैं इसके थ्रू हम लोग एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए इसको डेमोक्रेटिक वैल्यूज या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स माना जाता है। ये सब भी क्वेश्चन कभी कभी दे सकता है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ईजी है, तुम लोग बस कंसेप्ट समझ लेना। और अगर तुम लोग नॉन फॉर्मल का मीनिंग समझ में आ गया, इसमें से तुम लोग डिस्टेंस का भी लिख सकते हो, कॉरेस्पॉन्डेंस का भी लिख सकते हो, ओपन एजुकेशन का भी लिख सकते हो, सबका कंसेप्ट सेम है, बस एक एक डिफरेंस में आज फिर मीनिंग में तुम लोगों को वीडियोस में दे चुकी थी, लेकिन आज फिर भी मैं तुमको रिमाइंड कर दे रही हूँ कि अगर नॉन फॉर्मल का ही है सारा टाइप्स, डिस्टेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस, ओपन, जैसे कि हम लोग के फॉर्मल के अंडर में आता है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब के अंडर में आता है ओपन, डिस्टेंस, ये सब।
तो नॉन फॉर्मल का मीनिंग अगर तुमको समझ में आ गया, बाकी सब में भी सेम टॉपिक्स लिखना, डिफरेंस क्या है मैं बोल देती हूँ। सबसे फर्स्ट जनरेशन है कोरेस्पोंडेंस एजुकेशन, जहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज नहीं होता था, क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी का इतना एडवांसमेंट नहीं हुआ था, इसलिए कोरेस्पोंडेंस अगर मीनिंग आता है तो उसमें तुम लोग टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं लिख सकते हो, ये याद रखना। बाकी नॉन फॉर्मल का सारा सेम लिख सकते हो, बस टेक्नोलॉजी का यूज वहाँ पे मत लिखना, क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज करके क्लासेस नहीं करवाया जाता था, वहाँ पे स्टूडेंट्स को बाय पोस्ट लर्निंग मटेरियल भेजा जाता था। तो कोरेस्पोंडेंस आने से बस इतना डिफरेंस है नॉन फॉर्मल का, टेक्नोलॉजी मत लिखना, बाय पोस्ट लिखना, ठीक है। और डिस्टेंस अगर आता है तो डिस्टेंस में तुम लोग बाय पोस्ट ऑब्वियसली नहीं लिखोगे, तो वहां पे टेक्नोलॉजी यूज होता है और वहां पे मतलब थोड़ा बहुत क्लासेस होता है, ठीक है। ओपन और डिस्टेंस में अगर स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है तो स्टडी सेंटर्स में थोड़ा बहुत क्लासेस होता है, लेकिन कॉरेस्पोंडेंस में ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं था स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सारा डिफरेंस अगर तुम लोग समझ जाओगे तो बाकी इजिली तुम लोग लिख पाओगे। इसका सब यही आता है ओपन का, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग, तो बस सेम वो ही तुम लोग लिख सकते हो सब में, बस ये डिफरेंस याद रख लेना। और एम आने से वही कि सबको इक्वल एजुकेशन देना चाहिए, कोई इलिटरेट नहीं रहना चाहिए, और हम लोगों का मतलब जो फॉर्मल एजुकेशन का जो प्रेशर है उसको रिड्यूस करने के लिए ये एजुकेशन सिस्टम लाया गया है, सब में तुम सेम लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारा कुछ ट्रिक्स है जो इस चैप्टर में 10 आता है शायद, 10 में से तुम लोग को 10 ही मिल सकता है अगर ये सारा ट्रिक्स समझ के तुम लोग एग्जाम में लिखोगे, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा क्या क्या मैं ट्रिक्स बोली हूँ, एग्जाम में कैसा टाइप क्वेश्चन आता है समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तुम लोग बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।